यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी 5 मांग को रखे हैं, जिसमें पहला मांग था कि विश्वविद्यालय के अंदर में ये जो हॉस्टल है, हॉस्टल का जो फीस था उसमें 1550 से बढ़ाकर 3600 रुपया कर दिया है, यानी कि ये डबल, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ये जो है कि छात्रों के ऊपर आर्थिक रूप से जो है कि एक प्रहार किया गया है। दूसरी जो है कि ये स्नातक के रजिस्ट्रेशन में जो 200 रुपये थे उसको बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसका एक सेमेस्टर का 2200 रुपया राजभवन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको सभी कॉलेजों के अंदर में वो 2200 के बजाय 3000 से 4000 रुपया जो है कि वसूला जा रहा है। तो ये जो विश्वविद्यालय छात्र विरोधी और शिक्षा विरोधी हो चुकी है, जो पूरी तरह से ये विश्वविद्यालय में शिक्षा को व्यवसाय बना दी है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और हमारा ये भी मांग है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर में जो नियम है कि 45 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करने का, लेकिन सेशन 21 से 24 का ये 2 महीना बीत गया है, अभी तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको नामांकन के लिए बाहर जाना है और भी काम करना है तो वो जो है कि नहीं करा पा रहे हैं। तो ये जो है कि एक तरह से जो है कि छात्रों के भविष्य के साथ जो है कि पूरी तरह से विश्वविद्यालय खिलवाड़ कर रही है। हम मांग करते हैं विश्वविद्यालय को कि सही समय पर रिजल्ट प्रकाशित करे, विश्वविद्यालय द्वारा सभी कॉलेजों में जो बढ़ाया गया है फीस वापस लिया जाए, हॉस्टल का बढ़ाया गया फीस वापस लिया जाए और विश्वविद्यालय के अंदर में पढ़ाई लिखाई का माहौल कायम किया जाए और ये अराजकता व भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के अंदर में जो जेन्युइन छात्र हैं वो भटकते रहते हैं, उनको 6-6 महीना 1.5-1.5 साल समय बीत जाता है, कोई काम उनको समय पर नहीं होता है और जो जैसे तैसे यहाँ पर कर्मचारी से मिल के कुछ काम करा के चले जाते हैं। तो हमारा मांग ये भी है कि कोई भी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए, रिजल्ट सुधार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होना चाहिए, इसके लिए एक ऑफिसर को जिम्मेवार बनाना चाहिए। अगर वो निश्चित समय सीमा में अगर छात्रों का पेंडिंग रिजल्ट या जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं होता है तो उससे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।